हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अभिषेक और मैं आपके सामने लेके आया हूं फिर से कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स। तीन ऐसे लोगों के बारे में जो रातों रात ही सोशल मीडिया के सारे बहुत ज्यादा ही पॉपुलैरिटी हासिल किए हैं। तो आइए पेंच देखते हैं कौन है वो लोग। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आने वाली है हमारी रानू मंडल जी, जो कि एकाएक बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी हासिल की जब लोगों ने इन्हें स्टेशन पे गाते हुए सुना और इन्होंने लता मंगेशकर के गानों को कॉपी कर करके बहुत ज्यादा ही पॉपुलैरिटी हासिल की। पहले ही अपने जीवन यापन के लिए कोलकाता स्टेशन पे भीख मांगा करती थी और इसी दौरान भीख मांगने के दौरान ये लता मंगेशकर के कुछ गानों को गुनगुना दिया करती थी और इसी दौरान किसी यात्री ने इनकी वीडियो को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद किया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से बहुत ही इंडस्ट्री के बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों के नज़र में ये आ गई और हमारे हिमेश रेशमिया जी ने इन्हें मौका भी दिया और इनसे कुछ गाने भी गवाए। और हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आने वाले इंसान है सहदेव डिर्डो। आप इनके नाम से शायद वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन ये वही लड़के हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इनका गाना हुआ बचपन का प्यार, जो कि हम देखते हैं एक छोटा सा लड़का जो कि स्कूल में उसके शिक्षकों द्वारा गवाया गया था। और इस गाने की वजह से पहले तो इनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन एकाएक जब मीम्स बनने लगे इन पे बहुत ज़्यादा, तो इस गाने की वो और भी पॉपुलैरिटी बढ़ी और सहदेव डिर्डो भी इसके साथ ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। सहदेव डिर्डो जी छत्तीसगढ़ के राज्य में पैदा हुए थे 2007 में और वह सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। और जैसा कि हम देखें कि जैसे जैसे इस गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ी, हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े रैपर और सिंगर बादशाह जी ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया और इनको मौका दिया अपने साथ। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आने वाले इंसान हैं भुवन बधाकर जी, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनकी एक गाना जो कि काचा बादाम बहुत ज़्यादा ही वायरल हुआ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये गली में बादाम बेच रहे थे, उस दौरान कुछ गा रहे थे, गुनगुना रहे थे और किसी इंसान ने इनकी वीडियो बनाकर इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और ये धीरे धीरे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में पॉपुलर होते होते जब इसकी रिमिक्स वर्जन आई, इसको हम लोगों ने सुने तो पूरे भारत के लोग इस पे झूमे हैं। हम जैसा कि देख रहे हैं ये इंसान मेरी भी पर्सनली फेवरेट है और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ये झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इनकी भी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी क्योंकि बहुत। तो कैसा लगा आपको इन तीनों लोगों के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स? और जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अभी फैक्ट्स एंड रिव्यू को। और आने वाले समय में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी मूवी की रिव्यूज़ भी इस चैनल पे आने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहे और शेयर करते रहे लगातार। थैंक्स।